मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट मलेरिया। मलेरिया किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है, लाइक हमने डिस्कस किया था डैट एक जो हमारी फीमेल मॉस्किटो है उसके वजह से ये फैलता है ना। मेल मॉस्किटो ये नहीं फैलाता है, मलेरिया मेल मॉस्किटो की वजह से नहीं फैलता है, ये फीमेल मॉस्किटो की वजह से फैलता है। और क्या होता है कि वो किसी पर्सन को काटती है और क्या करती है, अ काइंड ऑफ जो पैरासाइट होता है ना, उसको बॉडी के अंदर वो जाता है और वो पर्सन क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद इसका जो साइकिल है वो कैसे चलता है, देखो ये स्प्रेड कैसे होता है। फिर कोई दूसरी फीमेल मॉस्किटो है, वो अगर वो इन्फेक्टेड इंसान को वो काटती है तो फिर क्या होता है, वो जो पैरासाइट है वो फीमेल मॉस्किटो में जाता है, काइंड ऑफ वायरस है। फिर वो फीमेल मॉस्किटो जिसको भी काटेगी उसको क्या हो जाएगा, ये मलेरिया हो जाएगा और वो बहुत जल्दी जल्दी फिर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हमने कुछ सिम्टम्स के भी बारे में बात की थी कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, ये सिम्टम्स कितने दिनों में दिखता है, तो इसको लगभग लग जाते हैं 10 से 15 दिन। और इसका सिम्टम्स क्या है, आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, आपको फीवर आएगा, बॉडी पेन होगा और वोमिटिंग भी होती है इस टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग को क्या बोला गया है, क्या प्रिकॉशन लेने को बोला गया है, दवाई को टाइमली लेने के लिए बोला गया है। जो डॉक्टर्स जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सारी चीज़ों को खाना पड़ता है। और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्रॉपर मात्रा में जो फ्रूट्स हैं एंड वाटर है वो कंज्यूम करना पड़ता है। अगर वोमिटिंग हो भी रही है तब भी हम लोग को कंज्यूम करना है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको चलिए देखते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। अपने आप को मलेरिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मॉस्किटोज हैं उसका बढ़ना को रोकना पड़ेगा, है ना। हमारी जो एक मॉस्किटो होती है वो कितने सारे बच्चों को जन्म देती है, और पर डे के बेसिस पे। तो क्या करना पड़ता है, इसकी जो ब्रीड उसका है उसको मारना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको ख़त्म करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन योर एरिया इज एनी इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल टू किल मॉस्किटोज। क्या बोल रहे हैं, आपके एरिया में, ये सारे आप ही को क्वेश्चन को करने पड़ेंगे। आपके एरिया में क्या बोल रहे हैं कि किसी तरीके का इंसेक्टिसाइड जो स्प्रिंकल किया जाता है। बहुत बार देखना मच्छर को मारने के लिए क्या करते हैं, लोग आते हैं, है ना, प्रेस कंट्रोल वाले वो लोग क्या करते हैं, वो स्प्रिंकल करते हैं। उनके पास वो बड़ा सा पीछे में बैग रहता है जिसमें क्या रहता है, इंसेक्टिसाइड रहता है। फिर वो क्या करते हैं, छिड़काव करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी जर्म्स होते हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे मक्खी या फिर आपके मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, इन विच सीजन आर मॉस्किटो मोस्टली फाउंड इन योर एरिया। किस सीजन में सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं बताओ तो, सबसे ज़्यादा गर्मी में पाए जाते हैं मच्छर। जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके एरिया में किस टाइम पे पाए जाते हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको लिखना भी है। चल, फाइंड आउट द प्लेस इन योर सराउंडिंग वेयर मॉस्किटो आर फाउंड इन प्लेंटी। ऐसा जगह बताओ जहाँ पे आपको बहुत सारे मच्छर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है और सबको पता होगा कि मच्छर सबसे ज़्यादा गंदगी में होते हैं, जहाँ पे पानी जमा हो, नाली हो, यहाँ पे आपको मच्छर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। स्टडी द मॉस्किटो, कैच होल्ड ऑफ अ बिग मॉस्किटो। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द मॉस्किटो। मॉस्किटो में आप क्या क्या देखते हो, देखो ये फिगर है, इसमें क्या क्या देखते हो आप। नाउ लुक एट द मॉस्किटो विद अ हैंड लेग। चलो आगे देखते हैं, हाउ मैनी लेग एंड विंग्स डज अ मॉस्किटो हैव, काउंट एंड राइट। ये आपको आज क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, सेम तरीके से कितने इसके हाथ और पैर हैं, इन सारी चीज़ों को आपको गिनना है और लिखना है, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पे मॉस्किटो, इसको देख करके आपको बताना है उसके फैदर, इनके क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं इसके बारे में भी बताना है, कैसा दिखता है इसके बारे में बताना है, और कितने इसके विंग्स और लेग्स हैं।
ड्रॉ मॉस्किटो इन योर नोटबुक. नोटबुक में क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है. डू यू नो वेयर मॉस्किटो ले इन आवर सराउंडिंग एरिया. लुक फॉर अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्टैगनेंट वाटर. स्टैगनेंट वाटर ऑब्जर्व दिस वाटर केयरफुली. क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि जो हमारे मच्छर हैं वो अंडे कहाँ देते हैं, अपने एरिया में देखिए, ठीक है, सराउंडिंग एरिया में, और ये चीज़ पता कीजिए कि कहाँ पे इस तरीके का गंदा पानी होता है, और ऑब्जर्व कीजिए उस वाटर को केयरफुली. बस यही सारी चीज़ें तो हैं. तो आज आपको क्या करना है, आज कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है. आपको भाई आज कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करवा सकती हूँ, वो मैं करवाऊँगी. अगर जो आपके वो ऑब्जर्वेशन की तरफ से होगा उसको आपको खुद करना पड़ेगा. और साथ ही साथ क्या करना है, ये जो मॉस्किटो है इसको आपको ड्रॉ करना है. तो चलिए आज आप लोग का एक और टैलेंट हम लोग को पता चलेगा आपके ड्रॉइंग का, ठीक है. और साथ ही साथ इसमें और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो देखती हूँ, अगर आप करोगे तो आप करो, अदरवाइज मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, बाय.